मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट बिल गेट्स की उस बात से करूंगा जो आप कई दफा सुन चुके होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये बात हमें हर रोज सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए, हर उस शख्स को सुननी चाहिए जो अपने दिल में अमीर होने की ख्वाहिश रखता है। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर गए हैं तो ये आप ही की गलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों की जिंदगियों में से जो अमीर और कामयाब हो चुके हैं चार मशवरे दूंगा, चार असूल बयान करूंगा जो आपके और मेरे लिए हैं, हर उस शख्स के लिए हैं जो बिल गेट्स की बात पर यकीन रखता है और जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता है। तो प्लीज इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपके बड़े काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो जिंदगी में अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने ऊपर करेंगे, क्योंकि उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई कार हो और आपको ये पता हो कि आपको जिंदगी में बस यही एक गाड़ी मिलेगी, तो आप उसका कितना ख्याल रखेंगे? आप उस पर कोई स्क्रैच भी नहीं आने देंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसे गैराज में खड़ा करेंगे, उसे बचा बचा कर रखेंगे, उसके इंजन का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में भी आपको सिर्फ एक दिमाग और एक ही बॉडी मिलेगी, तो क्या आप उसका तब ख्याल रखना शुरू करेंगे जब आप 50 साल के हो जाएंगे? हमेशा ये बात याद रखें, कामयाबी का रास्ता हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से शुरू होता है, और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। दुनिया में कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, हर कोई सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। इसलिए आप भी जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखें, नया सोचें, नया करें। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जिंदगी में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उड़ो तो चिड़ियों के साथ और सोचो कि आपने एक अकाब बनना है, ऊंची फजा में परवाज करना है, आसमान का सीना चीरना है। एक ईगल भी अगर मुर्गियों के साथ परवरिश पाएगा, उनके साथ दाना दुनका चुगेगा, उनके साथ ही रहेगा, तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। इसलिए जिस तरह के आप बनना चाहते हो उस तरह के लोगों को ढूंढो, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो। ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनके जैसे बनते चले जाओगे, उनसे सीखते चले जाओगे। जिम रोहन ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी में आप उन 5 लोगों की तरह बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। तो दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को बड़ी अकलमंदी से चुनो, क्योंकि एक दिन आप उनके जैसा ही बन जाओगे। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और एक अच्छी और सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो हमेशा जिंदगी में वो काम करें जिससे आपको प्यार हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपका दिल लगे, क्योंकि 24 घंटों में सबसे ज्यादा टाइम आप अपने काम को देंगे। और अगर आपको अपना काम पसंद ही नहीं, अगर आप अपने काम से, अपनी जॉब से खुश ही नहीं, तो आप कभी भी एक सेटिस्फाइड लाइफ नहीं गुजार सकेंगे और ना ही कभी आप तरक्की कर पाएंगे। अगर आप अपने काम को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपने काम में जबरदस्त कामयाबी चाहते हैं, तो अपने काम से प्यार करें। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी से भी कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे,
तो अपने काम को करते रहना, उसमें महारत हासिल करना आपको अच्छा लगेगा। आप अपने काम की जगह से प्यार करेंगे, अपने साथ काम करने वाले लोगों से प्यार करेंगे। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो यही आपकी कामयाबी है। और दोस्तों आखिरी बात, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक आसान जिंदगी की ख्वाहिश कभी ना करें और ना ही आसान जिंदगी को चूज करें। जिंदगी या तो आसान होती है और या कामयाब। हमेशा चैलेंजेस को कबूल करें, मुश्किल हालात का सामना करें, अपने आप को मुश्किल में डालें, क्योंकि मुश्किलों की गोद में ही कामयाबी का बसेरा होता है। जो नारियल के खुश्क और सख्त खोल को नहीं तोड़ पाता, वो अंदर मौजूद नारियल की गिरी का लुत्फ नहीं उठा पाता। बिल्कुल इसी तरह जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, जो अपने आप को मुश्किल में नहीं डालता, वो कभी भी कामयाबी का फल नहीं खा पाता। ब्रूसली ने बड़ी ही प्यारी बात की थी, खुदा से कभी भी एक आसान जिंदगी की दुआ ना मांगें, बल्कि खुदा से मुश्किलों का सामना करने के लिए ताकत और हौसला मांगें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।